26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से जुड़े मसले पर कांग्रेसी नेता के एक बयान की वजह से अब सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि दरअसल 26/11 को जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कसाब की चलाई गई गोलियों की वजह से हेमंत करकरी की जान नहीं गई, बल्कि एक पुलिस वाले की ही गोली से ये हेमंत करकरी की जान गई और वो पुलिस वाला आरएसएस समर्पित था। ये एक बड़ा बयान कांग्रेस नेता की ओर से दिया गया और ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस नेता का दिया गया ये बयान अब कई मायनों में सियासी भूचाल लाने के लिए काफी था। ऐसे में बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस अक्सर इसी तरह के बयान देती है और एक बार फिर से आतंकवादी को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है कांग्रेस नेता की ओर से और आरोप एक पुलिस वाले पर ही लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जबकि ये एक बेहद अहम और बड़ा बयान भी है, तब जबकि उज्ज्वल निकम को बीजेपी ने उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार हमलावर थे। दरअसल उन्होंने उज्ज्वल निकम पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कसाब को बिरयानी खिलाए जाने का आरोप उज्ज्वल निकम ने ही लगाया था और उज्ज्वल निकम वही वकील हैं जिन्होंने कि कसाब को लेकर के तमाम वो दलीलें कोर्ट में रखी जिसकी वजह से पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को सजाए मौत मिल सकी थी और इसी लेकर के अब ये बयान भी सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। विजय वडेट्टीवार ने जैसे ही ये बयान दिया बीजेपी ने पलटवार किया है और अब सिर्फ यहीं पर विजय वडेट्टीवार का बयान नहीं रुका। उन्होंने कहा कि दरअसल उज्ज्वल निकम एक देशद्रोही हैं और देशद्रोही का ही समर्थन इस वक्त बीजेपी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल जो बात उन्होंने कही है ये सच्चाई है कि कसाब की गोली से हेमंत करकरी की मौत नहीं हुई बल्कि आरएसएस समर्पित एक पुलिस वाले की गोली से आईपीएस ऑफिसर हेमंत करकरी की मौत हुई है और इस तथ्य को कोर्ट में उज्ज्वल निकम ने छिपाया है और इसीलिए वो सही मायनों में देशद्रोही है। ये आरोप कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने लगाया और अब चुनाव के बीच कांग्रेस नेता के इस बयान से बड़ा भूचाल आ गया है।